हम इस वक्त भाथर के इलाके में हैं। भाथर इलाका बलरामपुर का सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेपाल की तलहटी के नीचे है, जहाँ से शिवालिक पर्वत श्रेणी गुजरती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के नीचे होने के कारण यहाँ पर न केवल बड़े पैमाने पर पानी की समस्या है, बल्कि सड़कों और तमाम चीजों की समस्याएं आम यहाँ पर होती हैं। पानी के कारण यहाँ पर खेती किसानी न केवल बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है, बल्कि इस वक्त तो छुट्टा जानवरों का इतना बड़ा कहर है कि आम किसान परेशान नजर आता है। चाहे वो 100 बीघे जोतने वाला किसान हो, चाहे 5 बीघे जोतने वाला किसान, आजकल सब हैरान हैं, सब परेशान हैं। लेकिन इसी परेशानी के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम चुनावों का की तारीखों का ऐलान किया और बलरामपुर यानी कि श्रावस्ती लोकसभा सीट में इस बार 25 मई को वोट पड़ना है। हम सीट दर सीट यानी कि विधानसभा सीट दर सीट हम सड़कों की खाक छान रहे हैं और जनता के मूड को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर आज इसलिए खड़े हुए हैं रात 8 बजे क्योंकि इस जनता से हमें जानना है कि इसके मूड में क्या है, क्योंकि गैसड़ी में उपचुनाव है, यहाँ पर एक विधायक चुना जाना है और श्रावस्ती लोकसभा सीट के लिए एक सांसद जो दिल्ली में जाकर इनकी आवाज उठाएगा और लखनऊ के लिए एक विधायक जो लखनऊ के विधानसभा क्षेत्र विधानसभा में जाकर आवाज उठाएगा। क्या नाम है आपका? महराज अली। क्या मुद्दे हैं महराज भाई? मुद्दे क्या है, यही है कि मतलब रोजगार भी नहीं है यहाँ पे। हम लोग साल भर से आके बाहर प्रदेश से यहाँ गाँव में बैठे हैं, वहाँ पे भी रोजगार नहीं है। दूसरा बात यह है कि यहाँ का रोड जो है कम से कम 10 साल में 4-5 बार नाप हो गया। बन जाएगा ये सहारा दे देते हम लोग से वोट ले रहे हैं, रोड भी नहीं बन रहा है। अब पूरा रात को घर छोड़ के लड़कों बच्चों को छोड़ के वहाँ पर खेत में गाय रखा। गाय क्या हो जाता है, गाय इतनी परेशान करती है? बहुत परेशान। 5 बीघा अगर खेत है तो 2 बीघा का गल्ला मिलता है, 3 बीघा चले जाता है उसी में। गाय छोड़ा किन लोगों ने? हम ही आपने तो छोड़ा होगा। छोड़ाया जब ही तो छोड़े। इससे पहले गाय का काम नहीं होता था, बैल नहीं होता था, रहता था ना, बैल से खेती होता था, गाय का दूध पीते थे सब लोग। अब क्या हो गया भाई साहब? ठीक बोल रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया? जब सरकार कोई उसका उपाय ही नहीं दे रही तो क्या करेंगे उसको बांध के, इसलिए छोड़ दिए उसको। पहले भाजपा में तो ये कहा जाता था, भाजपा सरकार इस कारण बनी कि कहते थे कि सपा वाले लोग गायों को कटवा देते थे, गौवंशों की हत्या होती थी। कटवाने और खाने की बात वो अलग है, जो खाता है वो तो खाएगा ही, अभी भी खा रहा है, कोई रोक थोड़ी रहा है। मगर वो काटने कटाने की बात अलग है, मगर जब घर में ही नहीं रखने दे रहे तो क्या करेंगे उसको। अच्छा, घर में भी नहीं रखने दे रहे? अच्छा छोड़िए, गाय को छोड़ दीजिए, खेती किसानी को छोड़ दिए, उसके लिए तो 6,000 रुपए भी मिलते हैं ना आप लोगों को? हम लोग को नहीं मिला 6,000। क्यों, किसान सम्मान निधि नहीं मिला भाजपा सरकार में? नहीं, वो तो मिला है, वही चीज कह रहा हूं, सम्मान मिला है। हाँ। आया 2,000 रुपए आया, तो उससे कुछ तो भरपाई होती होगी जो गाय वाय चढ़ती है। क्या भरपाई होगी, 3-4 महीने में देते हो एक बार। हाँ। और 10-10 परिवार हमारे घर में बच्चे है। हाँ। तो कहाँ से उससे होगा गुजारा? अच्छा, राशन भी तो मिलता है? राशन मिलता है, 20 किलो है, जिसका 15 किलो ही मिल रहा है, वो भी उसमें भी कटौती, कोटे में भी बेमानी, उसमें भी कटौती हो रहा है। अच्छा, ये बताइए थाने वाने में सुनवाई होती है? हो रहा है, सुनाई तो हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, हर एक चीज में सुनाई हो रहा है। टीवी देखते हैं? नहीं, टीवी नहीं देखते। मोबाइल देखते हैं? हाँ, मोबाइल देखते। मोदी जी का बयान सुनते हैं? अब बयान वयान तो नहीं सुनते हैं, बयान लगाते ही नहीं है उसका। मोदी जी को कभी सुनते हैं? मोदी जी ने हालिया एक बयान दिया, उसको सुना है आपने, मुसलमानों के बारे में? नहीं सुना है। मोदी जी ने कहा कि मनमोहन सरकार कहती थी कि अगर जो है कांग्रेस को दोबारा ले आए तो हम जो है अल्पसंख्यकों को पहला हक देंगे, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जिन जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको हम आपका हक दे देंगे, मंगलसूत्र तक आपका बिक जाएगा, हिंदू महिलाओं से कहा। इस बयान से कितना आप? देखिए, सरकार कोई भी आएगा विकास का काम करेगा। नहीं, नहीं, मुसलमानों को कहा कि केवल जो कांग्रेस की सरकारें थी या इंडिया गठबंधन की सरकारें थी वो केवल मुसलमानों के लिए ही काम करती थी। नहीं, ये गलत बात है, क्यों मुसलमानों के लिए काम करेगा, सब चीजों के लिए काम करेगा, हिंदुओं के लिए, दलित के लिए, बिछड़ों के लिए, सबके लिए तो काम कर रहा था, एक ही आदमी के लिए कोई थोड़ी काम। मोदी जी के इस बयान से कितना ताल्लुक रखते हैं आप? ताल्लुक ये रखते हैं कि ये गलत है जो बोल रहे हैं कि मुसलमान के लिए खाली कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बिक जाएगा? नहीं बिकेगा, ये गलत बात है, हर एक चीज में सबका साथ दे रहे हैं। अच्छा, आप पुराने आदमी है, कांग्रेस की सरकार आ गई तो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बिक जाएगा? कुछ नहीं होगा। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं? नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं वो, गलत। प्रधानमंत्री है कह रहे हैं कुछ तो सही। वो गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ।
ये भारतीय जनता पार्टी वाले आदमी है, क्या नाम है भैया आपका? पंकज सिंह। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई तो मंगलसूत्र हिंदू महिलाओं का बिक जाएगा। नहीं ऐसा तो नहीं है भैया, ऐसा क्यों होगा? सरकार आने से किसी का भी, आप कैसे भाजपा ही है भाई फिर? कैसे मोदी जी कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी जी जो कह देंगे वही मान लेंगे। मोदी जी गलत कह रहे हैं? नहीं गलत नहीं कह रहे, वो अपने दिमाग से पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारे मैं पूरा बयान बताऊं आपको। मैं पूरा बयान बताऊं। मोदी जी एक जनसभा में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि साल 2006 में मनमोहन सिंह ने एक भाषण में कहा कि अगर कोई जो है कांग्रेस की सरकार जो है तो हम पहला हक अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, युवाओं को पहला हक देंगे सारी योजनाओं में जो उनकी प्रायोरिटी की योजनाएं हैं, और अगर इसमें भी कुछ ज्यादा हुआ तो जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको प्रायोरिटी पर रखते हुए मुस्लिम समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और इन जैसी सुविधाओं का हक हकूक देंगे। उस पे मोदी जी ने कहा, सुनिए तो सुनिए तो सुन, अरे एक मिनट सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा, मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा कि वो कह रहे थे कि जो है अगर ऐसा हो गया कांग्रेस की सरकार दोबारा आ गई तो जो है वो मुसलमानों को सारा हक दे देंगे और हिंदू महिलाओं का, हिंदू बहन बेटियों का मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, किसी की भी सरकार आ जाए ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं जरा हाथ खड़ा करिएगा भाई, मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं यहाँ पे जरा हाथ खड़ा करिए। आप लोग क्या मानते हैं, आप कहाँ मुसलमान है भाई, आप नहीं मुसलमान है ना, जो मुसलमान है वही हाथ खड़ा करेगा। सुनिए यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग कितना मानते हैं कि अगर मोदी जी ने जो बात कही वो सही है गलत? सही है। मोदी जी ने जो बात कही मंगलसूत्र बिकने वाली सही है? नोट बंद करने के लिए तो बंद कर दिए थे, हाँ जो वो कहे वो कर देंगे। अरे उनके पैरों के तले की जमीन खिसक रही है, वह इसलिए वो अनाप शनाप ऐसे उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। आपने वो बयान सुना है मेरे भाई? नहीं मैंने सुना है। क्या बयान था आप बताइए? अरे उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की या गठबंधन की सरकार बनती है तो महिलाओं का, चाहे वो पिछड़ा का हो, चाहे दलित का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, उनका मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। लेकिन वो ऐसा बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी लड़ रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से लड़ रही हैं, उनको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, इसलिए वो उल्टा सीधा वो बयानबाजी कर रहे हैं।